लास्ट वीडियो में मैंने मोबाइल गेम्स की बैंड बजाई थी एंड आज बारी है ट्रिपल ए गेम्स की। मैं बताऊंगा 10 रीजंस कि क्यों ट्रिपल ए गेम्स में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस वीडियो से एंड मैं ये वीडियो बस क्लिकबेट करने के लिए, ये बस बनाने के मकसद से नहीं बना रहा हूँ। जो भी रीजंस मैं बताने वाला हूँ ना वो सभी जेन्युइन है एंड काफी लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है आजकल के ट्रिपल ए गेम्स के साथ। स्टिल अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचे तो भाई माफ कर दो, मेरा मकसद आपकी फीलिंग्स हर्ट करना नहीं है, बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ ट्रिपल ए गेम्स बारे में। एंड एसी के साथ शुरू करता हूं ऑनेस्ट टॉक्स का एपिसोड नंबर 3। अब एक चीज जो आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है वो है अनफिनिश्ड गेम्स। मतलब आजकल ट्रेंड बन गया है कि अधूरा सा अनफिनिश्ड गेम लॉन्च कर दो और बाद में अपडेट्स के बाद फिक्स करते रहेंगे। और इन बग्स से ना हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या गेम्स को टेस्ट भी किया गया था रिलीज करने से पहले। मेरे से लिस्ट पूछोगे ना तो मैं बोलता रह जाऊंगा बट पूरी नहीं होगी। साइबरपंक 2077, जीटीए ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन, स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर का पीसी पोर्ट, लास्ट ऑफ अस का पीसी पोर्ट, सिटी स्काईलाइंस 2, न जाने कितने और एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास गेम्स हैं जैसे रेडफॉल और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स गोलम जो कि एपिक एडवेंचर्स का वादा करते हैं लेकिन हमें मिलता क्या है? गेम्स जो कि 10 मिनट भी ढंग से नहीं चल पाते और ऑप्टिमाइजेशन का तो पूछो ही मत। मुझे याद है कि मेरा पीसी स्टारफील्ड नहीं चला पा रहा था क्योंकि गेम ही इतना अनऑप्टिमाइज्ड था। ये सब गुस्सा दिलाता है यार कि आप कई महीनों कई साल से किसी गेम का इंतजार करो एंड लॉन्च पे वो चल ही ना पाए। बात करते हैं उन गेम्स की जो कि प्रॉमिस तो बड़े बड़े करते हैं बट पूरा एक भी नहीं। द ऑर्डर 1886 याद है, कितना हाइप्ड थे लोग उसके लिए। हाँ विजुअल्स तो अच्छे थे लेकिन वो सिर्फ कटसीन से भरा था और एक असली गेम की जगह ज्यादा से ज्यादा एक टेक डेमो जैसा लगता था। स्टाइल है लेकिन सब्सटेंस नहीं। और बैटलफील्ड 2042 को क्या कहना, हमने पूरे पैसे दिए हैं सिर्फ एक मल्टीप्लेयर गेम के लिए और उसमें स्कोरबोर्ड्स नहीं है, सर्वर्स लोड को हैंडल नहीं कर सकते एंड न जाने क्या क्या। फिर क्राइम बॉस रॉकेट सिटी तो क्या ही मजाक था भाई, दुनिया के बेस्ट एक्टर्स को लेकर आ गए वो लेकिन फायदा क्या अगर उनसे अपनी लाइंस ही ढंग से नहीं बोली जा रही। राइटिंग तो और भी खराब थी और एक पेड़े गेम का बेकार सा क्लोन लग रहा था। जो एपिक क्राइम सागा हमें प्रॉमिस करी गई थी वो तो दूर दूर तक नहीं मिली। सच में जब डेवलपर्स एक गेम को हाइप करते हैं और फिर हमें डिसअपॉइंट करते हैं ना तो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। हम गेमर्स बेटर डिजर्व करते हैं। गेमर्स में ना एक मीम चलती थी कि किसी गेमर से ये मत पूछो कि उसकी लाइब्रेरी में कितने गेम्स खेले हैं उसने बिकॉज वो ऑफेंड हो जाएगा। बट एक नई मीम बताता हूँ मैं, जरा अपना पीसी खोलो एंड गिनो कि कितने गेम्स हैं और कितने गेम लॉन्चर्स, क्योंकि आज की डेट में ना हर कोई बड़ा गेम पब्लिशर अपना अलग लॉन्चर हमसे जबरदस्ती इंस्टॉल करवा रहा है। रॉकस्टार लॉन्चर, ईए ओरिजिन, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट, सीडी प्रोजेक्ट का रेड लॉन्चर, माइनक्राफ्ट का अलग लॉन्चर, वैलोरेंट का अलग लॉन्चर, भाई वीडियो खत्म हो जाएगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब आप पूछोगे कि इसका रीजन क्या है, तो देखो हर चीज ना पैसे पे आकर ही रुकती है। पैसे के लिए अगर इन कंपनीज को स्टीम पे अपना गेम बेचना है ना तो उधर वो 30% ले जाता है कमाई का एंड उसी को बचाने के लिए कंपनीज अपने अलग लॉन्चर्स निकाल रही हैं ताकि 30% ना देने पड़े, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बट इस चक्कर में हम गेमर्स का दिमाग खराब हो गया है भाई, गेम्स तो अनइंस्टॉल कर देते हैं बट उससे ज्यादा तो लॉन्चर्स रखने पड़ते हैं अपने पीसी में एंड इन सभी के लॉन्चर्स में दुनिया भर के बग्स हैं जिसकी वजह से बहुत खराब एक्सपीरियंस मिलता है। फिर हर गेम का एक अलग लॉन्चर होगा तो कितना इनकन्वीनियंट होगा। कितना अच्छा होता कि बस एक स्टीम या फिर एक एपिक गेम स्टोर पे ही हम सारे गेम्स रख रहे होते और लॉन्चर्स की जरूरत ही ना पड़ती। फिर ये बड़ी कंपनीज अपने ट्रिपल ए गेम्स अनाउंस कर देती है, हाइप बढ़ा देती है लेकिन एंड में मिलता क्या है? तारीख पे तारीख पे तारीख। यूबीसॉफ्ट का बियॉन्ड गुड एंड इविल 2 याद है, उन्होंने इसे ऑफिशियली 2010 में अनाउंस किया था। E3 2017 में इसका बढ़िया सा ट्रेलर भी आया जिसने हमारी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ा दी लेकिन फिर क्या हुआ, गेम डायरेक्टर ने 2020 में छोड़ दी कंपनी एंड हमें अब तक नहीं पता चला कि इस गेम के साथ हो क्या रहा है। लगता है वो हमारी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। यूबीसॉफ्ट की बात हो रही है तो स्कल एंड बोन्स की कहानी पता है ना, लगता था जैसे असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग जैसा ओपन वर्ल्ड पायरेट बेस्ड गेम होगा और इसे साल 2016 में अनाउंस किया गया था एंड उसके बाद बस इंतजार ही करते रह गए गेमर्स। चलो अभी फेब में एटलीस्ट आ गया है गेम बट इसको 5 बार क्या शायद 6 बार भी डिले किया गया था। मतलब रिलीज डेट अनाउंस करते हैं फिर डिले करते हैं फिर रिलीज डेट अनाउंस फिर डिले करते हैं। कैरी मिनाटी ने ना एक बार अपने ट्विटर पे लिखा था कि गेम कंपनीज बस मनी हंग्री होती जा रही हैं। मतलब जब वो अपना फेवरेट एनबीए गेम खेल रहे थे तो उसमें अपने करेक्टर को डिसेंट लेवल पे पहुंचाने के लिए ही 25,000 से 30,000 का खर्चा करना पड़ता है। अब वो एक एक्सपीरियंस गेमर है एंड जो भी उन्हें फॉलो करता आया है शुरू से वो जानता है कि उन्होंने दुनिया भर के पीसी एंड कंसोल गेम्स खेले हैं। बट अगर वो भी ना हो ना तब भी मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ इधर, बिकॉज मोबाइल गेम्स तो चलो बदनाम है कि फ्री होते हैं इसलिए माइक्रो ट्रांजेक्शन से पैसा कमा रहे हैं बट ये पीसी एंड कंसोल गेम्स को क्या हो गया भाई, जो हमसे पहले गेम खरीदवाते हैं एंड फिर उसमें भी माइक्रो ट्रांजेक्शंस होती है। मतलब इतना लालच तो हम दोनों की, ऐसा लगता है कि ये गेम्स हर मोड पर हमसे पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, चाहे NBA 2K हो या EA Sports FC। ये गेम्स हमसे पहले ही काफी पैसे खर्च करवाते हैं लेकिन उनमें फिर वर्चुअल करेंसीज होती हैं, लूट बॉक्सेस होते हैं और सब्सक्रिप्शंस भी भरने पड़ते हैं जो कि इनडायरेक्टली पे टू विन बनाता है गेम को, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे तो हम दूसरों के सामने कम्पीट कैसे करेंगे। और GTA 5 का क्या कहना है भाई, रॉकस्टार ने शार्क कार्ड से इन गेम इकोनॉमी की बैंड बजा रखी है, उन्होंने हर एक चीज के प्राइसेस को ऊपर उठा दिया है, गाड़ियों से लेकर कपड़ों तक, और मिशन पे आउट्स को जानबूझकर कम किया गया ताकि लोगों को शार्क कार्ड्स खरीदने पड़े। चलो ये
ये तो फिर भी ऑनलाइन गेम्स है, मल्टीप्लेयर होते हैं, बट यूबीसॉफ्ट तो सिंगल प्लेयर गेम जैसे कि असैसिन्स क्रीड में भी कॉस्ट्यूम्स एंड स्किन्स बेच रहा है। मॉडर्न डे गेमिंग की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां गेम के विजुअल्स तो बहुत ज्यादा शानदार होते हैं लेकिन गेम प्ले मैकेनिक्स बिल्कुल बेकार। एग्जांपल के लिए द कैलिस्टो प्रोटोकॉल ले लो, डेड स्पेस का स्पिरिचुअल सक्सेसर कहा गया था इसे, और एक्स डेड स्पेस वेटरन्स ने ही इसे बनाया। इसमें स्टनिंग लाइफ लाइक ग्राफिक्स थे विद इंप्रेसिव रे ट्रेसिंग, लेकिन इन सब वर्ड्स का मतलब क्या अगर कॉम्बैट वन ऑफ द वर्स्ट हो? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिव्यूअर्स ने कहा है। इवन आप सोनी का पूरा कैटलॉग उठाकर देख लो, उनके ज्यादातर एक्सक्लूसिव गेम्स जो होते हैं उनके विजुअल्स और सिनेमैटिक्स तो बहुत बढ़िया होंगे, बट उसकी वजह से गेम प्ले कहीं पीछे ही छूट जाता है। स्पाइडरमैन 2 बहुत बढ़िया गेम था, खेलने में मजा आया, लेकिन एक टाइम पे तो मैं जरूर बोर हुआ था वो एंडलेस बटन स्मैशिंग कर करके, एंड विश करता था कि यार ये एनिमी जल्दी से खत्म होना, सेम चीज कितनी बार करता रहूंगा मैं। देन गेमिंग इंडस्ट्री की एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, वो ये है कि गेम बनाने वाले डेवलपर्स को 14 से 15 घंटे भी काम करना पड़ता है रोज रोज, एंड कई बार तो ये हफ्तों के सातों दिन। एग्जांपल के लिए हम सबके चहेते अनचार्टेड 4 के डेवलपमेंट को देखते हैं, जेसन शेयर के मुताबिक डेव्स पूरी रात लगे रहते थे और वीकेंड्स पर भी काम करते थे। अनचार्टेड 4 तो चलो बढ़िया गेम बन गया, लेकिन किस कीमत पर? द लास्ट ऑफ अस के कई डेव्स ने तो इस वजह से नॉटी डॉग छोड़ दिया था। रॉकस्टार के एम्प्लॉयज भी 50-50-60 घंटे हर हफ्ते काम करते थे, कुछ तो काम करते हुए बेहोश हो जाते थे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इतना काम करवा रहे हैं, ये कब तक सस्टेनेबल है? कंपनीज अपने गेम का स्केल तो बड़ा करती जा रही हैं, जिसके लिए वो डेवलपर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं, एंड उन्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे अच्छा क्या वो सिंपली ज्यादा डेवलपर्स हायर नहीं कर सकते, या किसी गेम को बनाने के लिए वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते? बट वो ऐसा क्यों करेंगे, इससे तो उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं ना। देन आज के गेम्स में इनोवेशन की बहुत कमी है। क्या आपने नोटिस किया है कि हम पहले से ज्यादा ही कुछ फर्स्ट पर्सन शूटर्स, मैसिव ओपन वर्ल्ड आरपीजीज और एंडलेस बैटल रॉयल्स में डूब गए हैं? लगता है सब लोग एक ही टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सक्सेस के लिए। मेरा मतलब यूबीसॉफ्ट का ओपन वर्ल्ड फॉर्मूला, सोनी के सिनेमैटिक गेम्स, सब एक जैसी तो है भाई, इनोवेशन कहाँ है? कॉल ऑफ ड्यूटी लगातार वही सेम फर्स्ट पर्सन गेम हर साल रिलीज कर देता है। वैसे ईयरली रिलीजेस से याद आया, फीफा, मैडन और एनबीए 2K भी कौन सा दूध के धुले हैं? छोटे मोटे चेंजेस करके हर साल पैसे लेते हैं हमसे, और बेथेस्डा अभी भी सालों पुराने गेम डिजाइन पे वर्क कर रहा है, एंड जब लोग स्टारफील्ड को क्रिटिसाइज करते हैं तो डेवलपर्स उन पे टूट पड़ते हैं। वो तो एल्डन रिंग या फिर ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ किंगडम जैसे गेम्स हैं जो कि दिखाते कि इनोवेशन क्या होती है, बट सच ये है कि मीडियोक्रिटी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है। अपना बचपन याद करो जरा, जो भी पीसी एंड कंसोल गेम्स खेलते थे वो अपने आप में यूनिक था, बहुत अलग था एक दूसरे से, क्योंकि तब सब कुछ नया था, हर कंपनी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर अब तो ये बस एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके पैसा छाप रहे हैं। और ये ऑनलाइन ओनली गेम्स का क्या सीन है भाई, मतलब जबरदस्ती गेम्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, इवन दो हमें कुछ स्टोरी या फिर सिंगल प्लेयर ही खेलना है। इस वजह से कितनी बार तो GTA 5 स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि उसका वो बगी लॉन्चर ऑफलाइन मोड में चला जाता है। वरना सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग ही ले लो, एक कोऑप एक्शन गेम है लेजेंडरी वॉइस परफॉर्मेंसेस के साथ, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ ऑनलाइन ओनली है, अगर आप सोलो भी खेल रहे हो तब भी। एंड अभी देख लो उसे कितना ज्यादा हिट मिल रहा है, इवन 2013 का सिम सिटी भी सिर्फ इसी वजह से फेल हुआ था क्योंकि वो ऑनलाइन ओनली था। पेडे 3 ने भी यही गलती की, इतने सारे एग्जांपल्स के बाद भी वो कुछ नहीं सीखा। क्या ये कंपनी समझ नहीं सकती कि हम सब 24/7 ऑनलाइन नहीं होते? समझ आता है भाई, पायरेसी रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कब तक? हमारे एक्सपीरियंस से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्या तुम्हारे लिए? क्या जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई ना, उन सबका एक ही रूट कॉज है और वो है पैसा। एंड ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा बन जाता है। जब कोई गेम कंपनी स्टार्ट होती है तो वो बहुत पैशनेट होते हैं गेम्स के लिए, उनपे पैसा लिमिटेड होता है बट एनर्जी मैक्सिमम रहती है, एंड इसलिए वो गेम को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर गलती से उनका गेम चल गया एंड वो ग्रो करने लग जाए, हायर करने लग जाए लोगों को, इन्वेस्टर से पैसा उठाने लगे, इस स्टेज पे उनका फोकस गेम से हटकर पैसे पे चला जाता है, क्योंकि वो एक गेम पे 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, यानी कि 800 करोड़ रुपए। एंड अगर वो गेम नहीं चला तो ये सारे पैसे डूब जाएंगे, इन्वेस्टर्स का दिवाला निकल जाएगा, कंपनीज बंद हो जाएंगी, डेवलपर्स की नौकरी चली जाएगी। इसलिए बड़े ट्रिपल ए पब्लिशर्स रिस्क नहीं ले सकते, वो एक रिस्क अवॉइडेंस मोड में चले जाते हैं। इन्हें गेम बनाना तो है बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कुछ नया नहीं करना जिसमें फेल होने का रिस्क है, बल्कि जो चल रहा है ना उसी को रिपीट करते रहो, जिस वजह से ट्रिपल ए गेम्स रिपीटेटिव, ग्रीडी, अनफिनिश्ड रह जाते हैं। बट जो इंडी गेम्स आते हैं वो कहीं बेटर निकलते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ी कंपनी नहीं बल्कि छोटी सी टीम होती है या फिर एक अकेला डेवलपर जो कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। बट चिंता ना करो, अगर उनका भी एक गेम चल गया एंड उनके मन में इच्छा हुई एक्सपैंड करने की, स्टूडियो ग्रो करने की, तो कुछ टाइम में वो भी सेम पोजीशन पे होंगे जहां पे ट्रिपल ए कंपनीज हैं। सो यार यही थे वो 10 रीजंस जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रिपल ए गेम्स में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब इसको फिक्स सिर्फ गेमर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आवाज उठाएंगे तभी डेवलपर समझेंगे कि हम चाहते क्या है। बाकी मोबाइल गेम क्यों डिक्लाइन कर रही है वो जानने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।